सबसे पहली बात कि जो हमारी टीबी बीमारी है, ये काज कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया इसको काज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। याद रखें, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे है आपके पास कि ये कॉमनली इसको आप टीबी कहते हो। ठीक है, उसके बाद जो बीमारी काज करता है बैक्टीरिया, उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अफेक्टेड एरिया मतलब किस जगह पे ये बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा। सबसे मेन जगह जो है वो लंग्स पे करता है। ठीक है, अब टीबी ज़्यादातर सिम्टम इसके जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो 3 वीक तक अगर सूखी खांसी रहे तो उसे टीबी के सिम्टम्स माने जाते हैं। अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये अफेक्ट करती है इंटेस्टाइन के ऊपर, बोन्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, लिम्फ ग्लैंड, ब्रेन और अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, मगर मेन जो है वो क्या है आपका, लंग्स। ठीक है, जहाँ पे ये अफेक्ट करती है। उसके बाद ट्रांसमिशन, ये फैलती कैसे है, ये थ्रू एयर फैलती है, बाय ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जब कोई कफ करेगा तो कफ करते वक्त, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलें। तो जब वो आदमी क्या करेगा, कफ करेगा, तो कफ करते वक्त वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं, जो पास वाला होगा वो उसे स्नीज करते वक्त उसके अंदर, या वो जब सांस लेगा तो उसके अंदर जाएंगे, जिस वजह से ये आपके लंग्स तक पहुंच के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, 2 to 12 वीक तक रहता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, सिम्टम हैं कफ, फीवर, ठीक है, इंक्रीज्ड वेट लॉस, लगातार बॉडी का वेट लॉस। ठीक है, नाइट स्वेट, रात को मतलब स्वेट आता है। ठीक है, उसके बाद इजी फैटिक वगैरह, चेस्ट पेन और लॉस ऑफ एपीटाइट, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। आगे है प्रिवेंशन, बचना कैसे है, ये क्यूरेबल डिजीज़, आप केयर कर सकते हो। पहले इसकी ये क्यूरेबल डिजीज़ नहीं थी, इस वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में मरते थे, तो इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज किया जाता है। तो ये क्यूरेबल डिजीज़ है, इसकी वैक्सीन वगैरह हैं, तो आप इसको यूज़ करके या इसकी प्रॉपर मेडिसिन लेकर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो BCG आपके पास इसकी वैक्सीन है जो ली जाती है, और भी इसके अलग अलग तरह के इंपॉर्टेंट जो मतलब टेस्ट वगैरह हैं, ट्रीटमेंट है, उसमें एक आता है डॉट्स, ये तो एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया। डॉट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये छोटे टाइम पे डायरेक्टली उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है एयरबोर्न डिजीज़ इन्फ्लुएंजा, ये भी कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में बाई एयर फैलता, तो इस वजह से इसको आप क्या बोलोगे, कम्युनिकेबल कहोगे। तो नेक्स्ट बात ये है कि इसका इसको काज कौन करता है, इसको काज करता है मतलब बैक्टीरिया जिसका नाम क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाके डिजीज़ का इसका अफेक्ट कहाँ पर होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाके इसका अफेक्ट होता है। इसको कॉमनली इंडिया में किस नाम से बोलते हो, फ्लू, ये तो सुना होगा कुछ लास्ट ईयर से इसका बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, फ्लू। ठीक है, तो फ्लू तो सब जानते हैं, फ्लू क्या है, फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक डिजीज़ है जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाके हमें अफेक्ट करता है। ठीक है, करता है या कर सकता है। आगे है इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, ये 18 to 72 hours। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। अब सिम्टम क्या होते हैं, चिल्स, ठीक है, मलाइस, फीवर्स, मस्कुलर पेन, कफ, सोर थ्राउट, ठीक है, उसके साथ स्नीजिंग, हेडिक और नसल ब्लॉक, ये जो लास्ट के जो है ना, मस्कुलर पेन, कफ, ठीक है, सोर थ्राउट, नसल वाला, हेडेक वगैरह, स्नीजिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको सबको याद कर लें। आगे आप प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कर, ज़्यादातर ये वायरसेस वगैरह होते हैं, ये सीजन चेंज होने में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं, और उनसे रोकने के लिए आप प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप सीज़न चेंज होते वक्त आप कवर कर सकते हो। क्या कवर कर सकते हो, अपने माउथ और नोज़ को, ठीक है, या हाथ वगैरह धो के रखें खाने से पहले, खाने के बाद, आफ्टर टॉयलेट, ठीक है, अपने हाथ गंदे नाक के साथ मत लगाएं। ठीक है, डायरेक्टली मुंह से सांस मत लें, क्योंकि मैक्सिमम जो वायरसेस वगैरह होते हैं वो इंटर आपके माउथ से करते हैं। ठीक है, फिर भी अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफेंस होते हैं, उनको भी अगर वो क्रॉस करके चला जाएगा तो बॉडी के अगर वो अलग अलग पार्ट में जाके अफेक्ट करता है तो अलग अलग तरह की बीमारियां काज होती हैं। ठीक है, जैसे लीवर में काज करेगा तो आपको जॉन्डिक्स हो सकता है या हेपेटाइटिस कह सकते हो। ठीक है, अलग जगह पे जाके वो अलग तरह की बीमारी काज करेगा, डिपेंड करता है कि वो वायरस आपके किस जगह पे जाके अटैक करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे।
अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है इसके लिए आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। तो नाम क्या है उसका? एमेंटाडाइन, ठीक है, एक्लोविर, ठीक है, ये अलग अलग तरह की हैं, ठीक है। उसके बाद और भी ट्रीटमेंट है, नसल स्प्रे आजकल बाज़ार में मिलती हैं, बेड रेस्ट की जाती है। उसके बाद कफ सिरप यूज़ कर सकते हो इसकी प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अलग अलग तरह की मेडिसिन, अलग अलग तरह के सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर आपको देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है वाटर बोर्न डिजीज़। वाटर बोर्न डिजीज़ वो होती हैं जो पानी से एक इंसान में दूसरे इंसान में फैलें। उनमें सबसे मेन जो बीमारी है वो कोलीरिया, ठीक है। कोलीरिया जो है इसको कॉज करता है डायरियल, मतलब ये डायरियल डिजीज़ है, एक अक्यूट बीमारी है। अक्यूट होती है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको लगे, जो मतलब थोड़े वक्त के लिए लगे, जो थोड़े वक्त के लिए होगी उसको अक्यूट कहते हो, और जो लंबे टाइम के लिए होती है उसे आप कहते हो, क्या कहते हैं उसे, क्रोनिकल डिजीज़। जैसे आपके पास डायबिटीज़ होगी, ठीक है, तो डायबिटीज़ क्या है? क्रोनिकल डिजीज़ है, क्योंकि वो एक बार लग गई तो पूरी लाइफ टाइम साथ में रहेगी। लॉन्ग टाइम डिजीज़ है, जो शॉर्ट टाइम होती है उसे क्या बोलते हो? अक्यूट, ठीक है। ये डायरल डिजीज़ है। काज कौन करता है? वाइब्रोकोलीरिया, ठीक है। कौन काज करता है? एक वायरस है, वाइब्रोकोलीरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इस बीमारी को कॉज करता है। आगे है ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है? अलग अलग जगहों से, ठीक है। तो पहला एक आता है फीशियल, फीशियल हो गया वेस्ट प्रोडक्ट। अगर कोई जानवर या कोई इंसान अपना वेस्ट पानी के अंदर रिलीज कर रहा है तो पानी गंदा होगा, और उस पानी को पीने वाला जानवर या इंसान, उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान या जानवर उस बीमारी से जूझेगा। आगे है कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स। अगर गंदा खाना है या गंदी ड्रिंक पी रहे हो, उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए गए होंगे, तो उससे भी आपको ये आ सकता है आपकी बॉडी के अंदर, आपको अफेक्ट कर सकता है। आगे आता है डायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट मतलब कि अगर जो इंसान जिसको ये बीमारी है तो आप उसके कंटेक्ट में आए हो, उससे आपको डायरेक्ट फैल सकती है बीमारी, ठीक है। केयरलेसली आप उसके साथ या उसको हैंडल कर रहे हो बिना, या उसके एक्सक्रीटा को आप क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो उससे ये बैक्टीरिया आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वोमिट ऑफ पेशेंट, अगर उसकी वोमिटिंग वगैरह आपके कंटेक्ट में आ गई जल्दी से, तो उससे भी आपको ये बीमारी फैल सकती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक का हो सकता है। आगे है आपका नेक्स्ट हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस है क्या, ठीक है, ये काज करता है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन काज करती है लीवर में, सबसे मेन इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है? लीवर में। और काज करता है हेपेटाइटिस वायरस, अलग अलग तरह के, ठीक है, बहुत सारे हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी मेन जो है, दो इनकी स्टडी की जाती है, बाकी जो हैं वो भी बहुत सारे, उनको कम ही पढ़ा जाता है। आगे है ट्रांसमिशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट दो ही ए और बी। फैलते कैसे? ये फीशियल ओरल रूट से, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट आपके माउथ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। कैसे? अगर कोई इंसान अपना टॉयलेट वगैरह अगर बाहर कर रहा है, तो अगर उसके अंदर वो वायरस थे हेपेटाइटिस के, उस फीशियल के ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी, वो मक्खियाँ उड़ेंगी और आपके उस खाने में आके उन मतलब एक्स वगैरह को या उसके बैक्टीरिया को वहाँ छोड़ देंगी। वो खाना, आप अनकवर्ड खाना जब खाओगे, तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर जाके इस बीमारी को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं, काज कर सकते हैं आपकी बॉडी में। आगे है पेरेंटल रूट, या पेरेंट से, अगर पेरेंट को हो तो उसके उससे उनके बच्चों को हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिशन, अगर एक पार्टनर अफेक्टेड है तो उससे दूसरे पार्टनर को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बीमारी आ सकती है। आगे है पेरेंटल ट्रांसमिशन, मतलब पेरेंट से उनके बच्चों को हो जाना, ठीक है। आगे है कितने तरह के, बहुत तरह के, जिसमें हेपेटाइटिस ए फेशियल ओरल रूट से फैलता है, हेपेटाइटिस बी पेरेंटल, और हेपेटाइटिस सी सेक्सुअल, और हेपेटाइटिस डी पेरेंटल, और हेपेटाइटिस ई जो है थ्रू फूड एंड वाटर फैलता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, ये 15 से 45 दिन का होता है। कौन सा? हेपेटाइटिस ए, ये मेन है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो भी इससे थोड़ा लंबे टाइम के लिए होता है, कुछ महीने तक के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे है सिम्टम। सिम्टम है, इसमें एब्डोमिनल के अंदर पेन होगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेन होगा, आपका यूरिन जो होगा वो डार्क होगा, पेल हो सकता है, या जो स्टूल है मतलब टॉयलेट रहेगी वो क्ले कलर की होगी। अच्छा, फैटिक्स पड़ सकती हैं। अच्छा, फीवर काज होता है मगर लो ग्रेड का होगा। जॉन्डिक्स काज होगा, आपका कलर येलो हो जाएगा, पेल हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, नौसिया, नौसिया का मतलब होता है मन खराब होना, ठीक है, या तो वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? आप बेटर इम्यूनिटी और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। आप पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रख कर आप मेंटेन कर सकते हो, उससे आपको ये बीमारी काज कम होंगी। या हैंड वॉशिंग, ठीक है, आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर ईटिंग, टॉयलेट जाने से जो जाने के बाद आप अच्छे से हाथ धो वगैरह धोकर कुछ भी खाएं पिएं,
तो ये बीमारियां आपको कम फैलेंगी। गंदा खाना मत खाएं, खाना गर्म करके खाएं, तो ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती। आगे है ट्रीटमेंट। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है, अलग अलग तरह की जाती हैं। जिस तरह से विटामिन के को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आईवी फ्लूइड वगैरह बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखेंगे।